सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत प्रोथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जाना था राग पूरे धनाश्री के छोटे ख्याल के बारे में पाया लिया झनकार मोरी, तो आएगा जानते हैं कि उसी ख्याल में यानी उसी बंदिश में आलापुरतान किस तरीके से किए जाए। तो आएगा अब नजर डालते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की ओर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग पूरे धनाश्री और उसके आलापुरतान, और उसके आगे लिखे हैं उसके कुछ 16 मात्रा के आलाप और कुछ 8 मात्रा की तान और एक 16 मात्रा की तान। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं आगे जो भी बात करूं तो आप उससे इजीली रिलेट कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी डिटेल्स को नोट कर लिया होगा। तो आएगा सबसे पहले जो आलाप है हम उसको बिना ताल के गा के देखते हैं, ताकि हम उसके सुरों के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाए। तो आएगा सबसे पहले नजर डालते हैं पहले आलाप की तरफ, जो कि इस तरीके से के बारे में मैं आपने पिछले ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूं कि जब सरगम के आगे डैश लगा होता है तो हमने उसको उतनी बार एक्सटेंड करना होता है जितनी बार उसके डैश लगे। जैसे अगर नी के बाद लगा एक डैश तो नी ई, उसके बाद रे के बाद लगा तो रे, और अगर ग के बाद 3 लगे तो ग, इस तरीके से आपको एक्सटेंड करना होगा। तो आइए दोबारा गाते हैं इसका पहला आलाप नी रे ग म ग रे सा। अब देखिए जो 16 मात्रा का आलाप है इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम जो बंदिश की पहली लाइन है पाए लिया झनकार मोरी, हम उसको गाएंगे इस तरीके से। जैसे देखिए कि अगर 9 से 9 तक का जो बंदिश की लाइन है पाए लिया झनकार मोरे, यहाँ से अब जैसे आपने की देखा 9 से शुरू हुआ था, हालांकि 10वीं मात्रा से हुआ, बट हम उसको मैं अभी आपको खाली से खाली तक का बता रहा हूँ कि 9 से शुरू हुआ था तो 9 ये 8 पर आके खत्म हो गया, तो आपको 9वीं मात्रा से इसमें आलाप करना होगा। देखिए जो इसकी जगह बनेगी वो इस तरीके से है पायले देखते हैं दूसरा आलाप, जो कि इस तरीके से रे ग म ग म रे ग रे सा। एक बार और रे ग म ग म रे ग रे सा, इसको भी सेम जगह से गाएंगे कि ये जो आलाप है 16 मात्रा का यानी कि 9वीं मात्रा से शुरू होता है और 8वीं मात्रा पर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि बंदिश जो है वो एक्चुअल में 10वीं मात्रा से, तो आपको 9 पर एक गैप देना होगा, जिस तरीके से मैं एक इशारा कर रहा हूं मेरे ग म ग म रे ग रे सा पहले। तो ये जो इशारा था ये 9वीं मात्रा के लिए था कि हमने वहां पर छोड़ना है, चाहे तो इसको 9वीं मात्रा से भी उठा सकते हैं। देखिए वो किस प्रकार से साउंड करेगा मेरे ग म ग म रे ग इस तरीके से भी आप उठा सकते हैं, तो प्रॉपर 9वीं मात्रा से आ जाएगा। तो आइए आप देखते हैं कि इसका तीसरा आलाप किस तरीके से गाया जाए। अब देखते हैं चौथा आलाप किस तरीके से है। एक बार और ग म ध नी रे सा नी र प, इसको भी सेम जगह से पायले आजन कर मोरे ग म ध नी रे सा नी र प।
तो आइए आप देखते हैं इसको तीन ताल में किस तरीके से गाया जाए। तो जैसा कि आप तीन ताल को सुन पा रहे हैं और आप जानते हैं कि इस आलाप को हमने नौवीं मात्रा से गाना है पायलिया झनकार मुरी के बाद, तो आइए शुरू करते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ पायलिया डालते हैं इसकी तान की तरफ। इसको भी हम सबसे पहले बिना ताल के गाएंगे ताकि इसके सुरों के बारे में हम और अच्छे से डीपली समझ पाएं। तान गाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूं कि तान को हमेशा ही दुगुन की लय में गाया जाता है, इसलिए इसको एक हाफ सर्कल के बीच में दो लेटर्स डाले जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमें इसको दुगुन में गाना है। तो आइएगा हम नजर डालते हैं पहली तान की तरफ जो कि इस तरह। यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक है। नेरे ग म प म ग रे ग म ग रे स नि स। एक बार और। नेरे ग म प म ग रे ग म ग रे स नि स। एक बार और। नेरे ग म प म ग रे ग म ग रे स नि स। अब देखिए जब हमने 16 मात्रा का अलाप करा था तो हमने उसके लिए पूरी लाइन गई थी, मगर 8 मात्रा के लिए हमने क्या करना है कि पायलिया झन झन के बाद आपने एक पहली मात्रा से यानी कि सम से आपको 8 मात्रा की तान गानी। अब देखिए नेचुरली वहीं पर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं मात्रा तक ये तान आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद दोबारा 9 से वो बंदिश आप उठा सकते हैं। तो इसकी जगह देखिए यही बनेगी पायलिया झन निरे ग म ब म ग रे ग म ग रे झन सा। पायलिया झन निरे ग म ब म ग रे ग म ग रे झन सा। पायलिया। अब आएगा देखते हैं दूसरी तान किस प्रकार है। पम ग म प द प म ग रे स नि रे ग म प। थोड़ा धीरे करते हैं। पम ग म प द प म ग रे स नि रे ग म प। एक बार और। पम ग म प द प म ग रे स नि रे ग म प। इसको भी सेम जगह से पायलिया झन कर हो रे। तो आइएगा आप देखते हैं तीसरी तान किस प्रकार है। ग म ध नि रे नि ध प म प ग म ग रे स। एक बार और। ग म ध नि रे नि ध प म प ग म ग रे स। ग म ध नि रे नि ध प म प ग म ग रे स। इसको भी सेम जगह से गाएंगे। पायलिया झन ग म ध नि रे नि ध प म प ग म ग रे स। तो
आइए अब देखते हैं चौथी तान किस प्रकार है। प प म प ग म द प म प ग म द नि सा। एक बार और प प म प ग म द प म प ग म द नि सा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। प प म प ग म द प म प ग म द नि सा। एक बार और प प म प ग म द प म प ग म द नि सा। इसको भी सेम जगह से प ले आ जन प प म प ग म द प म प ग म द नि सा प ले आएगा। जोगली तान है वो है 16 मात्रा की तान। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हमने 16 मात्रा का अलाप करा था और उसके लिए हमने पूरी लाइन गाई थी पायलिया झनकार मोरी, तो इसके लिए भी आपको पूरी लाइन गानी है। उसके बाद ही 16 मात्रा की तान है, वो देखिए किस तरीके से। ने रे ग म प म ग रे। उसके बाद ग म ध नि रे नि ध प। दोबारा ने रे ग म प म ग रे ग म ध नि रे नि ध प। उसके बाद तीन बार ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि। एक बार और नि रे ग म प म ग रे ग म द नि रे नि ध प ग म द नि सा ग म द नि सा ग म द नि सा। आएगा इसको भी देखते हैं किस तरीके से गाया जाए। प ले आ जन कर मोरे। नि रे ग म प म ग रे ग म द नि रे नि ध प ग म द नि सा ग म द नि सा ग म द नि सा। प ले आ जन कर मोरे। नि रे ग म प म ग रे ग म द नि रे नि ध प ग म द नि सा ग म द नि सा ग म द नि सा प ले आ। तो आइए अब देखते हैं इसको तीन ताल में किस तरीके से गाया जाए। तो जैसा कि आप तीन ताल को सुन पा रहे हैं और आप जानते हैं कि जिसमें ताने हमें करनी है वो हमें पहली मात्रा से यानी सम से करनी है पायलिया झन बोलने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। पायलिया वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।